स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट योर हिंदी बुक, पेज नंबर 31, पार्ट 5, साहसी मीतू। साहसी कथा, एक साहसी लड़की के बारे में इस कथा में, कहानी में बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने पाठकों के समक्ष एक रोचक कथा प्रस्तुत कर बच्चों में साहस की भावना प्रेरित करने के साथ साथ उन्हें कठिन परिस्थितियों में ना घबराने की प्रेरणा दी है। इस पाठ में लेखक ने, मतलब किसको, पाठकों को, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, हमको क्या बताया है कि हमारे बच्चों में, मतलब हम लोगों में साहस की भावना होना चाहिए और कठिन परिस्थिति में भी कभी घबराना नहीं चाहिए और मुकाबला करना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं। माँ लक्ष्मी के मंदिर में जोर जोर से आरती हो रही थी। आरती पूरी होते ही मीतू जब अपने पापा के साथ बाहर आई तभी एक ऑटो रिक्शा चालक वहां आया और नोटों की गड्डी से भरा पर्स लौटाते हुए बोला, एक लक्ष्मी जी के मंदिर में आरती हो रही थी, वहां पर एक मीतू और उसके पापा भी वहां पर आरती में गए थे। जब मीतू अपने पापा के साथ बाहर लौटी तो एक ऑटो वाला वहां पर आकर खड़ा। जब मीतू अपने पापा के साथ इस मंदिर से बाहर आई तो वहां पर एक ऑटो वाला मिला, तो ऑटो चालक के हाथ में क्या थी, नोट से भरा हुआ पर्स था। तो उसने बोला, आप लौटाते हुए बोला, आप यह पर्स ऑटो में ही भूल गए थे। तो ऑटो वाले ने पर्स वापस करा और कहा कि आप ये पर्स ऑटो में ही भूल गए थे। मीतू के पापा बोले, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जब ऑटो वाले ने उसके पापा को बोला कि आप ऑटो भूल गए थे, तो मीतू के पापा ने उसका, ऑटो वाले का क्या करा, धन्यवाद। विश्वास नहीं होता कि इस दुनिया में ईमानदारी अभी जीवित है। मीतू के पापा बोले कि विश्वास ही नहीं होता कि आज भी लोग ईमानदार इस दुनिया में रहते हैं। मेरी बेटी की शादी है इसलिए मुझे रुपए लेकर बाजार जाना था। मीतू के पापा बोले कि मेरी बेटी की शादी है तो ये रुपए लेकर मैं बाजार जा रहा था। बीच में ही मंदिर आया तो सोचा कि दर्शन करता चलूं। जब मैं बाजार जा रहा था तो रास्ते में मुझे मंदिर दिखा तो मैंने सोचा कि दर्शन करता चलूं। ऑटो वाले ने मीतू के पापा की तरफ मुस्कुराकर देखा और चला गया। ऑटो वाले ने क्या करा, मीतू के पापा को हंसते हुए देखा और चला गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में रहने वाली मीतू 12 साल की थी। मीतू कहाँ रहती थी, उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में रहती थी। कितने साल की थी मीतू, 12 साल की। वह अपने माता पिता और बड़ी बहन के साथ रहती थी। मीतू घर में सभी के साथ काम में हाथ बटाती थी। मीतू अपने माता पिता और बड़ी बहन के साथ रहती थी और घर के सभी कामों में मदद करती थी। एक दिन मीतू अपने पापा के साथ बाजार गई। बाजार में वही ऑटो वाला उन्हें फिर मिला। एक दिन मीतू बाजार गई तो जिस ऑटो वाले ने उनको अपने पैसे लौटाए थे, पर्स भरा, वो ऑटो वाला उनको फिर से बाजार में मिला। वह उन्हें ऑटो रिक्शे में बिठाकर बाजार तक ले गया। जब रास्ते में मिला था तो ऑटो वाले ने उनको ऑटो में बिठाया और बाजार तक ले गया। अब तक धीरे धीरे वह पापा का विश्वास जीत चुका था। ऑटो वाला मतलब इतना अच्छा व्यवहार कर रहा था कि मीतू के पापा का विश्वास उसने जीत लिया था। बातों बातों में मीतू के पापा ने उसे बताया कि कल उनके घर में शादी के लिए बाहर से मेहमान आ रहे हैं तो शाम 7 बजे उन्हें लेने के लिए स्टेशन जा रहा है। जब ऑटो वाला उनको बाजार ले जा रहा था तो मीतू के पापा ने उसको बताया कि हमारे घर में शादी है तो शादी के लिए कल हमारे घर मेहमान आ रहे हैं तो शाम को 7 बजे उन मेहमानों को स्टेशन लेने जाना है। टू बी कंटिन्यू टुमारो।